हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। आज के इस वीडियो में हम करेंगे फेशियल, वो भी एलोवेरा के साथ। तो एलोवेरा हम आज यूज़ करेंगे और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और इसको यूज़ करते हुए आज हम फेशियल करेंगे। और इस फेशियल को मैंने तीन पार्ट्स में इसको रखा है और ये तीन स्टेप्स को आपको फॉलो करने होंगे। और इस फेशियल को आपको 15 डेज में अगर दो या तीन मरतबा आप इसको कर सकते। जी तो फ्रेंड्स, सबसे आज हम करने वाले, जैसे कि आपको पता है, हम करने वाले हैं एलोवेरा फेशियल। तो एलोवेरा फेशियल के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एलोवेरा लीव्स, हमारे पास फ्रेश वाले हैं। तो सबसे पहले हमने छुरी की हेल्प से इसको साइड वाला जो पार्ट है ना, इसका वो हमने हटा लेना है, ठीक है? क्योंकि इसको हटाने के बाद ना, फिर हमने इसको तीन पीसेस में इसको कट कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो फेशियल है ना, ये किसी भी, अगर आप टीनएजर्स भी कर सकते हैं, आप किसी भी, आपकी कोई भी स्किन टाइप्स है आपकी, तो आप हर स्किन टाइप्स वाले इस फेशियल को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? तो इस फेशियल को हमने सबसे पहले जी इस तरह से स्लाइस की शेप में कट कर लेना है, जो हमने अपने फेशियल के स्टेप्स में यूज़ करने हैं, ठीक है? तो इस फेशियल को करने से ना, आपकी जो स्किन है बहुत स्पॉटलेस हो जाएगी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाएगा, आपकी स्किन को नरिश करेगा। और इसके सबसे पहले जी आपका होगा, सबसे पहला स्टेप जो हमने करना है क्लींजिंग है। तो सबसे पहले मैं रॉ मिल्क ले लिया था, उसके अंदर मैंने एक एलोवेरा का जो पीस है ना, कट करके इसके अंदर डिप कर दिया था 10 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर से अच्छी तरह से जो दूध है वो एलोवेरा को अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होने वाला है। तो फर्स्ट स्टेप क्लींजिंग करेंगे हम। तो क्लींजिंग हमने थोड़ी सी, मैंने स्पीड और स्लो फास्ट कर दी, आपने बिल्कुल सर्कुलर मोशन में 10 से 15 मिनट के लिए आपने अपने फेस पर अच्छे से क्लींजिंग कर लेनी है। सेकंड स्टेप पे हमने करना है जी, हमारा है एक्सफोलिएटिंग, यानी कि स्क्रबिंग हमने करनी है। तो मैंने एलोवेरा के पीस के ऊपर थोड़ा सा राइस फ्लोर ऐड करके मैंने अब अपने फेस पर अच्छी तरह से इसको एक्सफोलिएट करना, स्क्रबिंग करनी, ताकि डेड स्किन जो है ना हमारी अच्छे से रिमूव हो जाए। और थर्ड स्टेप जो हमारा है, वो मैंने ले लिया था फेस पैक जो हम करेंगे। फेस पैक में मैंने लिया था ग्रैम फ्लोर एंड टर्मरिक पाउडर लिया था, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके, और फिर एक एलोवेरा का पीस को उठाना है, फिर उसको इस तरह से इसके अंदर डिप करना है, और करने के बाद हमने अपने फेस पर इस तरह से कुछ इसको रब करना शुरू कर देना है, ठीक है? तो इस पर अप्लाई कर लेना आपने अच्छे तरह से। तो फ्रेंड्स, ये जो आपने लगाना है इस फेस पैक को, आपने 10 से 15 मिनट के लिए अपने फेस पर रख लेना है, और इसको फिर ऐसा गीले हाथों से आपने इसको अपने फेस पर मसाज करके उतार लेना है। अच्छा जी, इसके अंदर जो मैंने ग्रैम फ्लोर ऐड किया ना, वो आपकी स्किन के ऊपर से जो इतना भी एक्सिस ऑयल होगा ना, उसको कंट्रोल करने का हेल्प करेगा। एंड देन इसके अंदर जो हल्दी मैंने ऐड की है, वो आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स, एक्नेस वगैरह हैं, उसको भी अच्छे से ट्रीट करेगा और उसको भी ख़त्म करने में हेल्प करेगा आपका, ठीक है? तो यहाँ पे बिल्कुल ये ड्राई हो गया था, अब इससे मैं करूँगी वॉश आउट। तो वॉश करने के बाद फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके साथ लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं अपनी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड आपकी वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी आपको ज़रूर करना है। एंड वीडियो को, अगर आपको वीडियो में, अगर आपको बहुत अच्छी लगती है, अगर कोई आपने क्वेश्चन करना है ऐसा मुझे, तो आप अपने कमेंट सेक्शन के थ्रू में ऐसा कर सकते हैं, जिसका मैं बहुत आपको क्विकली इसका आंसर कर दूँगी एंड वीडियो को। और इसके अलावा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, और मेरे चैनल को बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा प्यार करें, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।